कहा जाता है कि जब दो अभिनेत्री एक साथ होती है और दोनों, चाहे वो इनकी बात गुंजन जी की बात की जाए या फिर सपना की बात करें, दो लोगों को आप एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और दोनों लोगों में चैलेंज, तो कहीं ना कहीं कुछ उन दोनों के बीच में टकराव देखने को मिला? नहीं नहीं, दोनों समझदार हैं और दोनों अपने अपने काम को अच्छी तरह समझती हैं, तो दोनों ने बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ काम किया, कहीं भी ऐसा कोई क्लैश नहीं हुआ इन लोगों का। टोटल इंटरटेनमेंट फिल्म है ये, हर तरह का मसाला है इसमें, कॉमेडी, एक्शन, इमोशन, रोमांस वगैरह सब है। एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, म्यूज़िक पे ज़्यादा ध्यान दिया है हम लोगों ने, गाने बहुत अच्छे हैं, एक्शन बहुत अच्छा है, सारा एक्शन इन्होंने किया है, पूरे हाथ पर इन्होंने तोड़े हैं और तोड़वाए हैं अपने, और मतलब एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट तो वही होते हैं सारे, मिले जुले वैसे ही फिल्में होती हैं, थोड़ा घुमा फिरा के होता है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखा हम लोगों ने, सस्पेंस है और थ्रिल और ट्विस्ट, और जो बार बार घुमा फिरा के जो बात कही जो सस्पेंस फिल्मों में होना चाहिए वो बहुत अच्छी है, तो उसका एक बेनिफिट हम लोगों को जरूर पिक्चर में मिलेगा। डांस भी कहीं ना कहीं लोगों को डांस कराना भी बहुत ज़्यादा टफ होता है, डांस की शूटिंग चल रही है, तो गुंजन जी को डांस कराना कितना आपको लगता है कहीं ना कहीं हार्ड है? कहीं भी हार्ड नहीं लगता, वो तो डांस डायरेक्टर को ही सिखा देती है। कई बार पिछली बार हम लोग अपरिचित कर रहे थे तो मेरे डांस मास्टर ने पूछा, वो गुंजन को नहीं जानते थे, तो उन्होंने पूछा कि वो गुंजन कर लेगी ना जो आ रही है? मैंने कहा वो तेरे को सिखा देगी और वही हुआ, इन्होंने जो हम लोगों ने टाइम सोचा था कितने इतने दिन में हम लोग गाना करेंगे, उससे कम समय में गुंजन ने पूरा गाना कर दिया था।